إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ये सूरह इकबाल की आयतें और मालिक अपने मोमिन बंधु को इत्मीनान दिलाता है कि तुम्हारे सामने अब जो खाक और खून की बाजी है अब हर वक्त ये शोर है कि इधर से मुश्रिकीन आए और इस तरफ से कुफार ने हमला किया और ताने देने वाले मुनाफिकीन हैं और दुश्मनान हक हैं। उनके ताने हैं कि क्या चीर मारा है, खुद अपनी कौम के खिलाफ तलवारें नंगी की और उसके बाद उनके गलों को काटा, उनके सीने को फाड़ा, उनके बच्चों को यतीम, उनकी औरतों को, अपनी कौम की औरतों को बेवा किया और उसके बाद कहते हैं हमने अल्लाह के रास्ते में सबूत दिया है अपने ईमान का। फरमाया इस तरह से हर तरफ ईमान के ऊपर यलगार है और हमेशा यही हुआ करता है। तो मालिक इस पूरी तारीफ को उनके सामने बंद अल्फाज में ला डालता है कि दुनिया वालों जहां ये एतराज कर रहे हो वहां गौर तो करो, ये 14 साल के बाद ये नौबत जो अब पहुंची है आखिर किन वादियों के अंदर, खारजार वादियों और कैसे समंदरों से, आपके समंदरों से गुजरने के बाद अल्लाह के बंदे अब यहां तक पहुंचे। फरमाता है मालिक इन्नल्लज़ीन आमनू आज तुम इन दुश्मनान हक के इन तानों से, ये जो तुम पर आयत लगाते हैं उनसे बेपरवाह हो जाओ, यही तुम्हारा हक है और इसीलिए तुमको अल्लाह ने ईमान अता फरमाया है और अल्लाह के जो वादे हैं तुम्हारे साथ पूरे हो गए कि तुमने हक अदा कर दिया है अल्लाह की बंदगी का, ईमान का जो तुमने दावा किया है तो तुमने साबित कर दिखाया। हमारे यहां ये नारे लगाने वाले जोरों शोर के साथ दिन मनाने वाले झंडे और इस्तेमाल के साथ मजमे करने के बाद और दावे करने वाले कि हम ईमानदार हैं, फरमाया हमारे यहां ईमान की कीमत नहीं उठेगी इनकी। हमारे यहां जो पैमाना है वो इन्नल्लज़ीन आमनू के जो ईमान का दावेदार हो सही मानों में वो ईमान का हक अदा कर दिखाए, ईमान के तकाजे पूरे करे, यहां तक कि वह हाजिर हो, ईमान लाने के बाद अपनी जिंदगी से, अपनी जबान से, अपने कलम से, अपने माल से, अपने सुबह शाम से वही एक बात अल्लाह की कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का खाते हो, देखना उसके साथ नाशुक्री और गद्दारी कर वैया याद न करना, उसके दीन को खुद कबूल करो, दुनिया वालों के सामने लाओ और उसके दीन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए अपनी जान और माल, अपने औकात, अपने सब कुछ लगा दो। तो मालिक फरमाता बिल्कुल सही रास्ते पर तुम 14 साल से बराबर बढ़ते जा रहे हो उसी मकसद की तरफ जो तुम्हारा, तुम्हारी मंजिल है अल्लाह की रजा की मंजिल, और अल्लाह की वही बंदे मालिक की निगाह में कीमत रखते हैं जो ईमान लाने के बाद फिर अपनी जिंदगी से ईमान का मुजाहरा करे, यहां तक के अल्लाह के दीन की दावत खुली और साफ देने के बाद अपने माशरे के अंदर नक्कू बन जाए और दिन रात उनके ऊपर हर तरफ से यूरिश और यलवा हो, उनकी माश तंग की जाए, उनका चलना पीना दूभर कर दिया जाए, उनके जिस्म जान को सताया जाए, उनको मौका पाने के बाद कैदोबंद में डाला जाए, किसी को जलाया जाए, किसी को मारा जाए। वरना ऐसे ईमानदार अल्लाह की बारगाह में उनकी कीमत है जो ईमान लाने के बाद
फिर ईमान का हक अदा कर दे, परवाह न करे मुखालफतों की और दुनिया की तरफ रगबत न हो, बल्कि अल्लाह की रजा और अल्लाह के दीन को कायम करने और सरफराज करने के लिए वो अपनी सारी ताकतें लगा दे। वह हाजरू, और जब उनका माशरा, उनकी जमीन, उनका घर, उनकी जो जाय पैदाइश है, जब वो उनको गवारा न करे, वो ईमान को वो संभाल कर वहां से ले जाए, ईमान को बेचने की बजाय वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, हिजरत कर जाए, और उसके बाद जगह जमा होने के बाद चाहे थोड़े हैं, फिर अल्लाह की बंदगी का हक अदा करके परवरदिगार की तौहीद को गालिब और अल्लाह के दीन के और उसके कलमे को सरफराज करने के लिए फिर जान और माल से वो अल्लाह की राह में जिहाद कर। फरमाइए, वो लोग हैं सही मानों में जिनका ईमान अल्लाह के यहां मुतबर है, और वो लोग ये तो ईमान लाए और उसके बाद पूरी तारीख अल्लाह ने मुहाजरीन की दुनिया के सामने और खुद मुहाजरीन के सामने ला डाली है। जो मुखालिफीन थे उनको भी याद दिलाया जाता है कि देखो जबान दराजियां करने वालों, आखिर ये यहां तक कब किस तरह से पहुंचे हैं। एक आवाज इनके सरदार ने उठाई है मक्के के अंदर ऐसी हालत में कि ये आवाज ऐसी थी कि हर दिल को नागवार थी, कोई कान इसके सुनने पर तैयार नहीं था। लेकिन किस तरह से उन्होंने सब्र के साथ इस रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की है, कुछ लोगों के कानों में ये बात डाली है, समझाया है कि आसमान और जमीन एक दिन अल्लाह के हुक्म से बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ अपनी गुलामी और बंदगी की आजमाइश में डाला है, तो लोगों अपनी जान के ऊपर रहम करो और अल्लाह के साथ जो तुम्हारा रिश्ता बंदगी का उसने मुकर्रर किया है उसका ख्याल। और कुछ दिनों यही बात हुई है कि चुपके चुपके बात खुलकर सामने आने का यह मौका नहीं था अल्लाह की हिदायत के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से अपने साथियों को आहिस्ता आहिस्ता जमा किया है। कभी हजरत मालिक ने याजिर कहते हैं कि जब मैं आया हूँ तो उस वक्त मैंने देखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुल 9 आदमी थे, 5 उनमें गुलाम थे, 2 खवातीन थी और 2 औरत थी। इस तरह से बात बढ़ती गई है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख उनको याद दिलाती है कि उसके बाद ये चंद हजरात हैं अल्लाह को इन्होंने अपना मालिक माना है, और फिर अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के रास्ते पर सब इस्तकामत के हासिल करने के लिए अल्लाह ने इनकी तरबियत फरमाई है, और रात को वो कभी एक एक तिहाई रात ये खड़े हुए हैं अपने रसूल ससम के साथ, कभी आधी आधी रातें आजाद से इबादत रहे हैं अल्लाह के सामने, और नमाजों के अंदर मालिक से अपनी बंदगी का रिश्ता मजबूत करते हैं, उसकी दोस्त से दुआएं मांगते हैं, उससे इस्तकलाल और इस्तकामत की लिए इल्तिजाएं करते हैं। तो बताया कि पूरी तारीफ देखो, आज तुम इनको कहते हो कि ये खून कुरैशी के साथ और खून के प्यासे हैं, अपनी कौम को इन्होंने मारा है, 70 को इन्होंने बदर के मैदान में कत्ल कर डाला है और 70 को कैदी बनाकर लाए हैं। फरमाया हालत में देखो इनका हक इन्होंने कैसे अदा किया है ईमान का, कि अपने सरदार के साथ जब आए हैं तो जान इन्होंने लगा दी है, और उसके बाद जब हुक्म दिया गया है इनके सरदार और अल्लाह के आखिरी रसूल को कि फजदा बिमा तुमत वारिदन मुशरिकीन, और जब कहा गया है उनसे कि अंजीर शेतकल अकबीन, कि अब बहुत दिन हो गए, कुछ साथी आपके साथ आ गए हैं, अब ऐलान कीजिए सारी दुनिया को बेमहाबा उनके सामने ये बात लाइए, असली बात ईमान की है और बेईमानों के लिए न दुनिया में अल्लाह की तरफ से खैर है और न आखरत में, और ये मालिक के साथ गद्दारी और नमक हरामी है, इस नमक हरामी से बाज आ जाओ, इस दुनिया में अगर तुमको कुछ दिया गया है तो ये आजमाई